है। तो ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमारे भैया मैन्यूवन है, तो उनका इनवर्स हो नहीं सकता, तो उसका वो वाला पार्ट उठाते हैं जहां पे वो क्या है, वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव, और उस पार्ट का हम क्या करेंगे, इनवर्स, राइट। तो सबसे पहले वाई इक्वल टू साइन एक्स का कौन सा पार्ट उठाएंगे, माइनस 90 से 90, एंड इसका आउटपुट माइनस 1 to 1। इसके लिए इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे, दैट इज वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और इसका इनपुट क्या बन जाएगा, -1 to 1, एंड आउटपुट -π/2 से π/2, राइट। ग्राफ याद है, -1 to +1, -π/2 से π/2, एक तो ये आ गया इंक्रीजिंग। अब काफी चीजें अभी दोबारा हमें देखनी है, इंक्रीजिंग इनपुट अगर मैंने पॉजिटिव दिया 0 से 1, आउटपुट क्या आएगा, 0 से π/2। इनपुट अगर मैंने नेगेटिव दिया तो आउटपुट क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल -90° से 0, ये समझे, 0 पे 0, राइट। ये चीज क्लियर है पक्का। तो साइन इनवर्स के अंदर अगर मैंने पॉजिटिव इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, एंड साइन इनवर्स के अंदर अगर मैंने नेगेटिव इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, -90 से 0, ये आएगा 0 से 90, क्लियर है आउटपुट, ये क्लियर है। अच्छा, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, राइट। अब मैं इसका डेरिवेटिव भी साथ साथ में बता रहा हूं ताकि अगले वाले चैप्टर में हेल्प हो जाए हमें, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/√(1−x)² होता है। अब यार देखने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक चीज ही नहीं आई, है ना, तो ऐसा कैसे हो गया, कोई बात नहीं, इसका प्रूफ करके दे देता हूं, ठीक है। तो चलो इधर जा रहा, हाँ जी, ऊपर कुछ और लिखना, याद है ना, इसके आगे भी छोटी छोटी चीजें और टेबल भी बनाना थोड़ा, है ना, तो स्पेस का यूटिलाइजेशन करते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अच्छा, साइन इनवर्स को इधर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, तो साइन y इक्वल टू x बोल सकता हूं, लगा दो चेन रूल, साइन का डेरिवेटिव y एज इट इज इंटू y का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव, तो मेरा y डैश क्या बना, 1/cos y, हाँ है ना। अब ध्यान से देखो, मेरा साइन वाई क्या है, एक्स, तो कॉस वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, √(1−sin²y), और साइन स्क्वायर वाई क्या है मेरा, तो वाई डैश आ गया √(1−sin²), क्लियर हुआ, छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं। पॉजिटिव, अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्लियर हुआ, बिहेवियर ऑब्जर्व हो रहा है, ऑनलाइन क्लियर हुआ, इधर पक्का चलें। अब इसका स्टैंडर्ड टेबल बनाना है, स्टैंडर्ड टेबल मैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली बना के जाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, sin 90, sin π/3, sin π/4, sin π/6, sin 0, sin −π/6, sin −π/4, sin −π/3, एंड sin −π/2, क्या आउटपुट होता है, 1√(3/2), 1/√(2), 1/2, 0, −1/2, −1/√(2), −√(3/2), −1, आ गया। अब इनका इनवर्स डिफाइन कर दो, क्या कि साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या जाएगा, π/2, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज कर रहा हूं, इधर साइन इनवर्स ऑफ √(3/2) क्या जाएगा, π/3, साइन इनवर्स ऑफ 1/√(2) क्या जाएगा, π/4, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या जाएगा, π/6, साइन इनवर्स ऑफ 0, 0, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, −π/6, साइन इनवर्स ऑफ -1/√(2), −π/4, साइन इनवर्स ऑफ −√(3/2), −π/3, एंड साइन इनवर्स ऑफ -1, −π/2, ये क्लियर हुआ।
श्योर जल्दी नेक्स्ट सेकेंड वाई इक्वल टू तो उसके लिए पहले कोस एक्स क्या पार्ट देखते हैं हम जीरो से पाई आउटपुट माइनस वन टू वन तो वाई इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ एक्स क्या जाएगा माइनस वन टू वन से जीरो से पाई। अब अगर इसका ग्राफ देखूं पाई बाय जीरो प्लस वन माइनस वन तो इनपुट अगर मैंने पॉजिटिव दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है जीरो से पाई बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। इनपुट अगर मैंने नेगेटिव दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है मेरा पाई बाय टू से पाई सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया वो है ना। तो अच्छा एक और चीज कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब इसका आउटपुट हमेशा क्या होता है जीरो से पाई ना तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमेशा अबव एक्स इज हमेशा पॉजिटिव रहेगा राइट। अच्छा ऑलवेज डिक्रीजिंग नीचे की तरफ आ रहा है ना ऑलवेज डिक्रीजिंग यानी कि इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव। और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है साइन इनवर्स एक्स का देखा उसी का नेगेटिव माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स क्यूब। इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई बाय टू ये आएगी आगे जाके डिराइव करेंगे इसको। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस पूरी चीज का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव प्लस कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डेरिवेटिव आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एडिशन पे है ना। तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा पाई बाय टू का डेरिवेटिव कांस्टेंट है जीरो तो इसका डेरिवेटिव और इसके डेरिवेटिव का सम जीरो तो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का नेगेटिव। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाला अभी हमने तो उसी का नेगेटिव कर दो वो कोस इनवर्स एक्स का आ जाएगा डेरिवेटिव। क्लियर है पक्का पक्का। तो इसका डेरिवेटिव इसी का नेगेटिव हो जाएगा ना है ना तो माइनस ऑफ वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका डेरिवेटिव आ गया ठीक। अच्छा अब इसका वही बनाना अपने को टेबल बनाना है ना तो जीरो से अपना जीरो से नाइनटी डिग्री सॉरी अपना जीरो से वन एटी डिग्री तक का तो कॉस जीरो कॉस पाई बाय सिक्स कॉस पाई बाय फोर कॉस पाई बाय थ्री cos pi by 2, cos 2 pi by 3, 120 degree, cos 3 pi by 4, cos के क्या आ जाएगा 3 pi by 4 के बाद 5 pi by 6 and cos pi, इधर क्या आ जाएगा cos 0, 1, cos ये root 3 by 2, ये क्या आ जाएगा 1 by, ये 1 by 2, ये 0, ये minus 1 by 2, इसी का उल्टा negative, अगर ये याद रखने में problem है ना, तो उसी का नेगेटिव हो जाता है जैसे इस तरफ जा रहा है ऐसे नीचे की तरफ जाएगा बट एग्जैक्टली उनका नेगेटिव तो माइनस वन बाय टू। अच्छा अब माइनस वन बाय रूट टू रूट थ्री बाय टू था तो माइनस रूट थ्री बाय टू एंड ये वन था तो माइनस वन। अब इन्हीं के अकॉर्डिंगली इनका इनवर्स डिफाइन करते हैं तो कॉस इनवर्स वन कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू पाई बाय सिक्स कॉस इनवर्स वन बाय रूट टू पाई बाय फोर कॉस इनवर्स वन बाय टू पाई बाय थ्री cos inverse 0 pi by 2 cos inverse minus 1 by 2 2 pi by 3 cos inverse minus 1 by root 2 3 pi by 4 cos inverse minus root 3 by 2 5 pi by 6 and cos inverse minus 1 pi। clear हुआ complete। चलो आ जाओ next भी देख लो अभी इसके साथ ही third टेन का ले लो तो उसके लिए y इक्वल टू टेन एक्स क्या लेके जाते हैं माइनस फाइव बाय टू से फाइव बाय टू आउटपुट ऑल रियल तो टेन इनवर्स का आ जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x एंड क्या आ जाएगा इसका इनपुट ऑल रियल से माइनस फाइव बाय टू से फाइव बाय टू ओपन ब्रैकेट ठीक है। ऑनलाइन अगर ये चीज ना दिखाई दे तो बोल देना ये बेसिकली ऑल रियल लिखा टेन इनवर्स x ऑल रियल से माइनस फाइव बाय टू से फाइव बाय टू थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आ रही है ठीक है। अच्छा अब ग्राफ
ये पाई बाय टू, ये माइनस पाई बाय टू, इस तरीके से है ना ये। अब यहां पे भी क्लियरली इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। इनपुट अगर नेगेटिव है तो आउटपुट क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस 90 से भी। यार देखो दो ही टाइप के हैं हमारे पास, या तो आउटपुट माइनस 90 से 90 आएगा तो उसके अंदर पॉजिटिव पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव पे फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। और जो मेरे 0 से 180 डिग्री हैं, पॉजिटिव इनपुट देने पे आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा, और नेगेटिव इनपुट देने पे अब यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, बस बात खत्म। तो ये माइनस 90 टू 90 वाला है तो आउटपुट फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा, अगर इनपुट नेगेटिव है तो, बात खत्म। इन चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करो, ठीक है। अच्छा अब ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग यानी कि डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, इनडेफिनेट है तो, राइट। कैसे आया, अगेन y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x लिया, tan इनवर्स को इधर ले आया, क्या आ गया tan y इक्वल टू x, तो tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर y अंदर एज इट इज इनटू x का डेरिवेटिव। ये समझे यहां से यहां तक, ठीक है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर, अंदर वाला y एज इट इज इनटू अंदर वाले y का डेरिवेटिव y डैश, चेन रूल। x का डेरिवेटिव 1, तो यहां से y डैश क्या आया, 1 बाय secant स्क्वायर y, दैट इज 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर y, secant स्क्वायर y की जगह आइडेंटिटी लगा दी, और tan y मेरा x है तो इधर आ गया x स्क्वायर, तो ये आ गया 1 बाय डन, तो ये मेरा y डैश आ गया। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई, कहां से आया, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर, ठीक है। अब इसका टेबल बनाना है, ये हटा रहा हूं मैं प्रूफ, अब इसका टेबल बनाना है हमें, है ना। तो टेबल के लिए हमने देखा माइनस 90 और प्लस 90 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है, तो उनको छोड़ दो। तो tan 90 नहीं, tan 60 से शुरू करेंगे, पाई बाय 3, फिर आगे tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 6, tan 0, tan माइनस पाई बाय 6, tan माइनस पाई बाय 4, tan माइनस पाई बाय 3, इस पे आउटपुट रूट 3, 1, 1 बाय रूट 3, 0, माइनस 1 बाय रूट 3, माइनस 1, माइनस रूट 3। तो इसके अकॉर्डिंगली tan इनवर्स रूट 3 क्या जाएगा, पाई बाय 3, tan इनवर्स 1 क्या जाएगा, पाई बाय 4, tan इनवर्स 1 बाय रूट 3, पाई बाय 6, tan इनवर्स 0, 0, tan इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3, माइनस पाई बाय 6, tan इनवर्स माइनस 1, माइनस पाई बाय 4, tan इनवर्स माइनस रूट 3, माइनस पाई बाय 3। बेटा क्लियर हुआ, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ, yes, ये नोट करो, चलो ध्यान से देखना अभी, ठीक है। फोर्थ y इक्वल टू लेट से कोट इनवर्स x देखते हैं, तो उसके लिए पहले कोटेक्स, तो कोटेक्स का कौन सा पार्ट लेके जाते हैं हम, जीरो से पाई ओपन ब्रैकेट से, आउटपुट क्या आता है इसका, ऑल रियल। तो y इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा, ऑल रियल से जीरो से पाई, इसका ग्राफ ध्यान से पाई बाय टू पाई, ये तो क्लियरली जीरो से पाई वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, इनपुट पॉजिटिव तो आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनपुट नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर है। इट्स ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, तो इसका डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। अब इसका कॉट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव का एग्जैक्टली नेगेटिव होगा, तो माइनस वन बाय वन प्लस, क्यों, क्योंकि अब ये चीज आ जाती है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज पाई बाय टू, ये समझे, राइट। तो
दैट्स इट, इसके बाद हमें वही बनाना है। अच्छा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऊपर ऊपर है हमेशा x एक्सिस के, ऑलवेज पॉजिटिव, और इसके बाद इसका टेबल बनाना है ना। तो 0 से 180 डिग्री, cot 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि cot 0 क्या जाएगा, cos 0 / sin 0, sin 0 0 हो जाता है, जो डिनोमिनेटर 0, तो नॉट डिफाइंड है ना। तो 0 पे और 180 पे नॉट डिफाइंड, दैट इज व्हाई बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। तो इसको छोड़ के क्या बना, cos pi / 6 30 डिग्री, सॉरी cot cot pi / 4 cot pi / 3 cot 0 cot 2 pi / 3 120 डिग्री cot 3 pi / 4 cot 5 pi / 6 150 डिग्री। ठीक है, तो इस पे आउटपुट क्या आता है इसका, रूट थ्री वन वन बाय रूट थ्री जीरो माइनस वन बाय रूट थ्री माइनस रूट थ्री। जैसे इस तरफ ऊपर जाते हैं तो उतना ही नीचे की तरफ आएंगे, वही वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगे, बस बात खत्म। इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट वाली चीजों को याद रखो। ठीक है, अच्छा अब कॉट इनवर्स रूट थ्री पाई बाय सिक्स, कॉट इनवर्स वन पाई बाय फोर, कॉट इनवर्स वन बाय रूट थ्री पाई बाय थ्री, कॉट इनवर्स जीरो, ये पाई बाय टू आना था ना, सॉरी 90 डिग्री पे जीरो होता है, ये गलत लिखा था। तो यहां पे कॉट इनवर्स क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स जीरो पाई बाय टू, कॉट इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री टू पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री, हाँ हाँ तो कॉट इनवर्स माइनस वन थ्री पाई बाय फोर एंड कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री पाई पाई बाय सिक्स। इसमें कोई डाउट, श्योर? अच्छा, फिफ्थ, वाई इक्वल टू कोसेकेंट एक्स पहले, तो किस पार्ट का इनवर्स निकालते हैं, माइनस 90 से 90 एक्सेप्ट जीरो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे डिफाइंड है ये चीज। आउटपुट माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, अच्छा ये शायद ऑनलाइन ना दिखाई दे, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी, यहां पे ये डिफाइंड है, राइट। इनपुट आउटपुट क्या आता है इसका, वन से बड़ा बड़ा या माइनस वन से छोटा छोटा, इनपुट माइनस 90 से 90 एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं जा सकता क्योंकि सेकंड जीरो क्या होता है, वन बाय साइन जीरो, वन बाय जीरो नॉट डिफाइंड। तो ग्राफ अब याद करो, मैंने तुम्हें कोसेकेंट का कैसे बनाना सिखाया था, जैसे ये साइन का ये वाला पार्ट उठाते हैं माइनस 90 से 90, तो इसका रेसिप्रोकल होता है ये, ऐसे इसका एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा ये, तो ये हटा दो, माइनस वन प्लस वन, राइट। अच्छा ये कोसेकेंट है, तो कोसेकेंट इनवर्स पहले देखना ना, तो कोसेकेंट इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स, इसके अंदर इनपुट जाएगा अब ये, दैट इज माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफिनिटी, एंड आउटपुट क्या आएगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एक्सेप्ट जीरो, याद आएगा, यानी कि ये ग्राफ होना, इनपुट माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफिनिटी, अगेन पॉजिटिव इनपुट अगर जा रहा है तो आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनपुट अगर नेगेटिव जा रहा है तो आउटपुट क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस पाई बाय टू से जीरो से पाई बाय टू। आई होप क्लियर हुआ, राइट right? अच्छा ध्यान से देखो, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग नीचे की तरफ, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, और इसका डेरिवेटिव जो होता है वो सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का नेगेटिव होता है, सीकेंट इनवर्स एक्स जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव, वो अपना ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो कोसेकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है, ये होता है माइनस वन बाय एक्स मोड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऑलवेज नेगेटिव। सीकेंट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आ जाएगा, वन बाय एक्स मोड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्यों, क्योंकि कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज ऑल्सो पाई बाय टू। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई बाय टू, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई बाय टू, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई बाय टू। तो इनके डेरिवेटिव एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, तो इसलिए सीकेंट इनवर्स का पॉजिटिव इसका एक्जैक्टली उल्टा नेगेटिव, जो इंक्रीजिंग है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, जो डिक्रीजिंग है उसका उतना नेगेटिव आ जाएगा, बात खत्म। यहां तक क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर, राइट। अब चार्ट बनाना है, तो माइनस 90 से 90 के बीच में जीरो को छोड़ के सारा, तो कोसेकेंट पाई बाय टू, कोसेकेंट पाई बाय थ्री, कोसेकेंट पाई बाय फोर,
कोसेकेंट पाई बाय सिक्स जीरो आ नहीं सकता, कोसेकेंट माइनस पाई बाय सिक्स, कोसेकेंट माइनस पाई बाय फोर, कोसेकेंट माइनस पाई बाय थ्री, कोसेकेंट माइनस पाई बाय टू, क्या आएगा वन टू बाय रूट थ्री, रूट टू टू, माइनस टू माइनस रूट टू, माइनस रूट टू बाय रूट थ्री, माइनस वन। तो कोसेकेंट इनवर्स ऑफ वन इज पाई बाय टू, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ टू बाय रूट थ्री इज पाई बाय थ्री, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ रूट टू पाई बाय फोर, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ टू इज पाई बाय सिक्स, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस टू माइनस पाई बाय सिक्स, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस रूट टू माइनस पाई बाय फोर, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस टू बाय रूट थ्री माइनस पाई बाय थ्री, एंड कोसेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस वन माइनस पाई बाय टू। आई होप क्लियर हुआ, श्योर पक्का ऑनलाइन क्लियर है? Yes, जल्दी से।